हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रीता शर्मा। मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए खट्टे कद्दू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हिमाचल में सभी के घरों में बनाया जाता है। मसालों में मैंने बड़ी इलायची को दरदरा पीसा है, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्ची, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, नमक, देगी मिर्च, आमचूर पाउडर और चीनी, सभी मसाले लेकर मैंने तैयार रखे हैं। अब सबसे पहले मैं आमचूर पाउडर का घोल बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसे एक खुले बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। चीनी मिलाने के बाद मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसमें देगी मिर्च भी मिला दूंगी। इसके बाद हल्दी पाउडर भी मैंने इसी में डाल दी है और हरी मिर्चों को भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब इसका मैं घोल तैयार कर लूँगी और घोल को मैंने इसमें 1 गिलास पानी का मिला दिया है और इसे थोड़ा भीगने के लिए रख दें। घोल को थोड़ी देर साइड में रख दें। खट्टे कद्दू की रेसिपी हिमाचल के सभी घरों में बनाई जाती है और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हिमाचल की धाम में भी इसे बनाया जाता है और शादी विवाह और दूसरे प्रोग्रामों में भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाया जाता है। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। कद्दू में तड़का लगाने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं तेज पत्ता डाल दूंगी और तेज पत्ते को थोड़ा भूनने के बाद इसमें साबुत लाल मिर्चों को इसमें डाल दें। लाल मिर्चों को स्मोकी फ्लेवर के लिए डाला जाता है और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन्हें ब्राउन होने तक भून लें। इस तरह से लाल मिर्चें भून चुकी है। अब इसमें साबुत जीरा मिलाएं। इस रेसिपी को मैंने बिना लहसुन प्याज से बनाया है क्योंकि मुझे व्रत के लिए इस रेसिपी को चाहिए था। अब इसमें मैं धनिया पाउडर डालूंगी। इसमें आप लहसुन प्याज को भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना मिला दिया है। अब इसमें मैंने मोटी इलायची को भी डाल दिया है। इसके बाद इसके लिए जो मैंने आमचूर का घोल तैयार किया था इसे इसमें मिलाएं और इसे तब तक पकाते रहें जब तक कि इसमें से तेल बाहर ना निकल जाए। इस तरह से ग्रेवी को मैंने आमचूर के पाउडर से बनाया है। इसकी जगह में आप अनारदाने को भिगोने के बाद पीसें और बारीक पीसने के बाद उसकी चटनी बना लें और फिर इस घोल को बिल्कुल इसी तरह से तैयार करें। इसकी जगह में आप अनारदाना और इमली का घोल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आमचूर का ही घोल डाला है। अब इसमें थोड़े से दाने में काली मिर्च के डालूंगी और थोड़ा मैंने बारीक कटा हुआ इसमें अदरक डाल दिया है। अभी घोल को पकने में टाइम है, इसे बीच बीच में चलाते जाएं। ग्रेवी लगभग पक चुकी है और इसमें से तेल निकलना भी शुरू हो चुका है। देखिए, इसमें से पूरा तेल बाहर आ गया है। अब इसमें मैं कद्दू को मिला दूंगी। खट्टे कद्दू की रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है। बस इसमें इस ट्रिक का बहुत ध्यान रखें कि कद्दू की ग्रेवी को तब तक पकाएं जब तक कि इसमें से तेल बाहर ना निकल जाए और तरी को अच्छी तरह से कद्दू में मिक्स करें। खट्टा कद्दू बनाने के लिए हमेशा पका हुआ ही कद्दू लें। पके हुए कद्दू का खट्टा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इस तरह से इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही पकाएं और इसे थोड़ा ढक दें। थोड़ी देर तक इसे इसी तरह से पकने दें। कद्दू को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ढक्कन को हटाकर
से थोड़ा मिक्स कर लें इस तरह से। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 3-4 विसल आने तक इसे और पकाएंगे। इस तरह से देखिए अब इसकी चटनी अच्छी तरह से कद्दू में मिक्स हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा पानी भी मिला दूंगी। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। इस तरह से 2-3 विसल आने के बाद, ठंडा होने के बाद ही प्रेशर कुकर को खोलें। खट्टा कद्दू पककर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट कद्दू बना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।